नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो राजस्थान CHO भर्ती को लेकर यहाँ पर दोस्तों बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों फर्स्ट इंडिया न्यू राजस्थान की तरफ से ट्वीट किया गया है, इसमें कि बताया गया है कि आपके जो 1500 नए पद बढ़ाए जाएंगे। तो दोस्तों इससे रिजल्ट में आपकी देरी हो सकती है, रिजल्ट अब कब आने वाला है उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और थोड़ा बहुत कट ऑफ में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा दोस्तों, कट ऑफ और कम हो सकती है दोस्तों। तो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल पर आपको राजस्थान CHO की मैं पल पल की अपडेट आपको चैनल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, फर्स्ट इंडिया न्यू राजस्थान की तरफ से ट्वीट किया गया है कमती हेल्थ ऑफिसर भर्ती से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। ये देर शाम कल ट्वीट किया गया है दोस्तों, रात 8 बजे के आसपास ये ट्वीट किया गया दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं इस भर्ती में शामिल होंगे 1500 नए पद, मतलब CHO में दोस्तों ये 6310 पद थे दोस्तों, उनमें आपके 1510 पद और जोड़े जाएंगे। भर्ती पदों में संशोधन के लिए CMO भेजी गई है फाइल। दोस्तों मैं एक बात आपको पहले बता दूँ, ये जो 1500 नए पद हैं दोस्तों इनको पहले ही मंजूरी दे दी गई थी, लेकिन संशोधन के लिए जो फाइल है वो CMO ऑफिस भेजी गई दोस्तों। तो फाइल को कम से कम 3 से 4 दिन दोस्तों इसमें लगने वाले हैं, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है दोस्तों वो घोषित किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों 13/12/2020 की ये न्यूज है दोस्तों, कमती हेल्थ ऑफिसर भर्ती से जुड़ी आज की सबसे बड़ी खबर। मतलब CHO जो भर्ती है दोस्तों उसमें जो 1500 नए पद हैं दोस्तों उन्हें जोड़ा जाएगा और संशोधन किया जाएगा। तो 6310 पहले पदों पर जो परीक्षा है वो आयोजित कराई गई थी दोस्तों, तो अब इसमें जो आपके 7810 इसमें टोटल पद हो जाएंगे दोस्तों। तो आपका जो रिजल्ट है दोस्तों इसमें 3 से 4 दिन और आपको वेट करना पड़ सकता है दोस्तों, 7810 पदों के लिए जारी होगा आपका परिणाम। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, फर्स्ट इंडिया न्यू राजस्थान की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे कि सर 6310 पदों पर जो है रिजल्ट निकाला जाएगा या 7810 पदों पर। तो मैंने पहले ही बताया था कि 7810 पदों पर ही आपका जो रिजल्ट है वो निकाला जाएगा। तो अब पहले आपकी CMO ऑफिस भेज दी गई है, इसमें आपका 3 से 4 दिन का समय दोस्तों लगने वाला है, उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। जैसे ही वहाँ से जो फाइल है वापस आ जाती है चिकित्सा विभाग में दोस्तों, सो संशोधन करके आपकी जो भर्ती है वो उसका रिजल्ट है वो घोषित कर दिया जाएगा। तो जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा मैं आपको चैनल पर सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों, राजस्थान पल पल की अपडेट मैं चैनल पर कराता रहता हूँ। अब बात करूँ दोस्तों कट ऑफ की, तो कट ऑफ मैंने पहले बताया था कि 55 से 75 के मध्य जो कट ऑफ है दोस्तों वो जाने वाली है। इसमें आपकी 1-2% कमी हो सकती है, क्योंकि 1500 नए पद इसमें ऐड किए गए हैं, तो इससे आपको कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। ज़्यादा जो स्टूडेंट है उनकी यहाँ पर नंबर है दोस्तों आएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चैनल पर आपको राजस्थान CHO की पल पल की अपडेट मैं यहाँ पे कराता रहता हूँ। जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा मैं आपको सबसे पहले अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।